वेलकम इन कृषि वैली यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स डिस्कस करेंगे विद ट्रिक्स। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, लेकिन अगर आपने अभी भी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये हमारी ट्रिक नंबर वन है। इस ट्रिक में हमने टोटल 5 एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं जिसको हमने कवर करा है। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी है और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो आइए अब हम ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन देखिए, फर्स्ट लाइन है 52 गन्ना लेकर कजरी राजस्थान गई। ठीक है, गन्ना यू नो शुगर केन। ठीक है, कजरी यहाँ पे सपोज़ करो एक लड़की है, तो कजरी ने क्या करा, 52 गन्ना लेकर वो राजस्थान गई। अब राजस्थान गई का मतलब है वो कहीं से गन्ना लेकर आएगी, तो उसने गन्ना कहाँ से लिया होगा, तो गन्ना उसने वहाँ से लिया होगा जहाँ सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। सबसे ज़्यादा गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में, यूपी। तो कजरी ने 52 गन्ना यूपी से लिए और कजरी राजस्थान गई। ठीक है, फिर क्या होता है, झूठ कहा उसने कि वो केरल की मछली लाई। अब देखो, कजरी गन्ना लेके राजस्थान जाती है। अब राजस्थान में वैसे बहुत गर्मी होती है, तो लोग चाहते ना कि वो जूस पिएं, गन्ने का जूस पिएं गर्मी में, लेकिन कजरी ने वहाँ झूठ बोला। कजरी ने कहा वो गन्ना लेके नहीं आई, वो केरल की मछली लाई, केरल की मछली लाई। उसके बाद क्या होता है, इसका फैसला करने नाफीद की 5-8 बहनें आईं। अब देखो, कजरी लेकर तो गन्ना आई थी, लेकिन उसने झूठ बोला कि वो केरल की मछली लाई है। अब कुछ लोगों को ये बात पता थी, नाफीद की 5-8 बहनें हैं जिनको ये बात पता थी, तो इसका फैसला करने कि वो झूठ बोली, इसका फैसला करने नाफीद की 5-8 बहनें आईं। अब इस ट्रिक की हेल्प से हम इंस्टीट्यूट्स के नाम याद करते हैं। पहला है 52 गन्ना लेकर कजरी राजस्थान गई, तो कजरी ने गन्ने कहाँ से लिए थे, यूपी से। तो 52 से याद रखना 1952 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। ठीक, गन्ना यानी शुगर केन, तो 1952 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च बना था, ये बना था लखनऊ में, यूपी में। फिर कजरी राजस्थान गई, तो कजरी दैट इज़ इन 1952, कजरी मींस सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि राजस्थान में जोधपुर में है। फिर नेक्स्ट है झूठ कहा उसने, झूठ, झूठ से याद रखना झूठ, JUTE झूठ। ठीक है, झूठ से झूठ याद रखना, और इसका सेंटर है इन 1953 सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइट फाइबर। ठीक है, झूठ से झूठ याद रखना, और जूट एंड लाइट फाइबर का जो सेंटर है वो है बैरकपुर वेस्ट बंगाल में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे है झूठ कहा उसने। ठीक है, झूठ से झूठ हो गया, झूठ कहा उसने कि वो केरल की मछली लाई, केरल की मछली, केरल की मछली से आप याद रखना इन 1957 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी। ठीक है, मछली यानी फिश। ठीक है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी यानी ये कहाँ पर है, ये केरल, केरल की मछली यानी जो फिशरीज फिशरीज़ का टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है ये कहाँ है, केरला में, कोचिन में। ठीक है, तो 1957 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी इन कोचिन केरला। उसके बाद है इसका फैसला करना, अब देखो उसने झूठ बोला कि वो केरल की मछली लाई जबकि वो गन्ना लेकर आई थी, तो इसका फैसला करें नफीट की 5-8 बहनें आईं। तो नफीट की 5-8 से याद रखना 1958, और नफीट मींस नफीट। ठीक है, नफीट का फुल फॉर्म क्या होता है, नफीट मींस होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो नफीट कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था। नफीट का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। तो इसमें जो कोड लैंग्वेज है वो है शीप ने ग्रास खाई। शीप जो होती है भेड़, उसने ग्रास यानी घास उसने खाई। अब जब शीप यानी भेड़ जब ग्रास खाएगी, कोई भी एनिमल जब ग्रास खाता है तो वो दूध देता है, तो वैसे ही हुआ, शीप ने ग्रास खाई उसके बाद उसने दूध दिया।
अब जो उसने दूध दिया है उसको हमने कलेक्ट करा है, यानी उसके लिए जो हमने कंटेनर लिया था वो ट्यूब शेप का था, ठीक है, ट्यूब्स जो होते हैं ना उस शेप के कंटेनर में हमने उसका मिल्क कलेक्ट करा। तो क्या हुआ, शीप ने ग्रास खाई, फिर ट्यूब में मिल्क लेके डेयरी बोर्ड में गए। अब जो उसने मिल्क हम दिया उसने हमने उसको एक ट्यूब के कंटेनर में इकट्ठा करा, और उस ट्यूब को लेके हम कहाँ गए, डेयरी बोर्ड में गए। अब जब डेयरी बोर्ड में हम चले गए तो उन्होंने क्या करा, इसकी खीर बनाई। अब खीर कैसे बनती, यू नो वेरी वेल, खीर के लिए दो चीज़ चाहिए थी, दूध तो लेके चले गए थे, अब इसका मतलब उनके पास चावल था, ठीक है, चावल दैट इज़ राइस, तो उन्होंने उसका यूज़ करके खीर बनाई। तो उनके पास कौन सा राइस था, उनके पास था इंडियन राइस, ठीक है। तो ये जो पूरी कोड है इसको हम यूज़ करेंगे इंस्टीट्यूट्स के नेम लर्न करने में। तो आप जो पहला कोड देख रहे हो, शीप ने ग्रास खाई, इससे हमें याद रखना है शीप मतलब सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ग्रास खाई, ग्रास से हमें याद रखना है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ये दोनों जो इंस्टीट्यूट हैं ये इस्टेब्लिश्ड हुए थे सेम ईयर 1962 में, ठीक है। तो 1962 में फर्स्ट शीप से याद रखना है सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ पर है, ये है अवेका नगर राजस्थान में, ठीक है। और ग्रास से याद रखना है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट इज़ इन झांसी यूपी, दोनों का ईयर सेम है 1962। अब नेक्स्ट है ट्यूब में मिल्क लेके डेयरी बोर्ड में गए। तो यहाँ ट्यूब और डेयरी बोर्ड इन दोनों में इंस्टीट्यूट याद करना है। ट्यूब से याद रखना है सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्यूब से ट्यूबर, ठीक है, ट्यूब से ट्यूबर याद रखना, दैट इज सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि है कसारगढ़ केरला में, और इस्टेब्लिश हुआ है 1963 में। उसके बाद है ट्यूब में मिल्क लेके डेयरी बोर्ड में गए, डेयरी बोर्ड से याद रखना है NDDB, दैट इज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, तो डेयरी बोर्ड माने डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। तो जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है वो है आनंद गुजरात में, और ये इस्टेब्लिश हुआ है 1965 में, ठीक है, दोनों में बस एक साल का गैप है, ठीक है। जो ट्यूब से ट्यूबर क्रॉप्स याद रखें, ट्यूबर क्रॉप्स कसारगढ़ केरला 1963, डेयरी बोर्ड में याद रखना नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात 1965। अब नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है, देखो ट्यूब मिल्क मतलब ट्यूब में मिल्क लेके डेयरी बोर्ड में गए, तो डेयरी बोर्ड से डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड याद रखा। अब डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में गए तो उन्होंने खीर बनाई, किसकी, इंडियन राइस की। तो इंडियन राइस से हमें याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, इंडियन राइस मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, और ये इस्टेब्लिश्ड हुआ है हैदराबाद तेलंगाना में 1965 में, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद तेलंगाना। राइस का एक और इंस्टीट्यूट हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, दैट इज़ नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेशनल और इंडियन, इन दो वर्ड्स का फ़र्क है, अगर इंडियन लिखा होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, इंडियन होगा तो हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है, इंडियन लिखा होगा। लेकिन अगर नेशनल लिखा है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है नेशनल, तो वो कटक उड़ीसा, ठीक है, नेशनल वाला कटक उड़ीसा और इंडियन वाला हैदराबाद तेलंगाना। अब हम देखते हैं कोड सेकंड कोड है रिमोट लेके हॉर्टिकल्चर फार्मिंग की पर सॉइल सैलीन निकली। अब देखो यहाँ पे इमेजिन करो कोई किसान है, कोई फार्मर है जो टीवी देख रहा है, रिमोट लेके उसने चैनल लेके, रिमोट से हम कंट्रोल करते हैं ना टीवी, तो वैसे उसने भी रिमोट लिया और चैनल चेंज कर रहा था वो, तो उसने हॉर्टिकल्चर फार्मिंग जो कोई चैनल होगा वो लगाया। तो उसने जब रिमोट लेके हॉर्टिकल्चर फार्मिंग लगाया तो वो बहुत मोटिवेट हो गया, उसने कहा कि वो भी हॉर्टिकल्चर फार्मिंग करेगा। फिर जब वो अपनी सॉइल में हॉर्टिकल्चर फार्मिंग करने आता है तो वहाँ देखता है कि जो सॉइल है वो सैलीन है, ठीक है, सॉल्ट नेचर की है, ठीक है, सॉइल सैलीन है। तो अब इस ट्रिक में जो इंस्टीट्यूट नाम हमें याद करना है, सबसे पहले रिमोट वर्ड पर फोकस करो, रिमोट से हमें याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये है देहरादून उत्तराखंड में, और ये इस्टेब्लिश कब हुआ है, ये इस्टेब्लिश हुआ है इन द ईयर 1966।
तो रिमोट से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। अब नेक्स्ट इंस्टीट्यूट देखते हैं। देखो रिमोट लेके तो रिमोट सेंसिंग याद हो गया, अब रिमोट लेके क्या करा उसने, हॉर्टिकल्चर फार्मिंग, मतलब रिमोट लेके टीवी में हॉर्टिकल्चर फार्मिंग का चैनल देखा। तो हॉर्टिकल्चर से याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ठीक है, हॉर्टिकल्चर से हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये है बेंगलोर कर्नाटका में, ठीक है। और ये बना कब था, ये बना था 1967 में। हॉर्टिकल्चर से याद हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर कर्नाटका बना है 1967 में। अब हॉर्टिकल्चर के फार्मिंग है, फार्मिंग से क्या याद रखना है, फार्मिंग से याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, फार्मिंग से फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, ठीक है। हॉर्टिकल्चर रिसर्च में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, और फार्मिंग से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, ठीक है। अभी फार्मिंग सिस्टम रिसर्च है मेरठ यूपी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और इस्टेब्लिश्ड हुआ है इन द ईयर 1968, ठीक है। पहले हॉर्टिकल्चर हुआ, हॉर्टिकल्चर रिसर्च माने पहले हॉर्टिकल्चर आएगा 1967 में, ठीक उसके अगले साल 1968 में फार्मिंग सिस्टम रिसर्च। अब हमारा नेक्स्ट कोड था सॉइल सेलिंग निकली, ठीक है। सॉइल मतलब पहले रिमोट लेके उसने हॉर्टिकल्चर फार्मिंग का चैनल देखा, फिर उसने सोचा कि वो भी फार्मिंग करे, पर उसने देखा कि उसकी जो सॉइल है वो सेलिन है, तो सॉइल सेलिन निकली। इसमें हमें याद रखना है सॉइल सेलिन से याद रखना है सेंट्रल सॉइल सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये है करनाल हरियाणा में, और इस्टेब्लिश्ड हुआ था इन द ईयर 1969, ठीक है। सेंट्रल सॉइल सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1969। तो गाइस ये थी हमारी अब तक की ट्रिक। इसमें हमने शीप से, ग्रास से, ट्यूब से, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इंडियन राइस, रिमोट, हॉर्टिकल्चर फार्मिंग और सॉइल सेलिन, इन सब से कुछ इंस्टीट्यूट याद करे हैं। टोटल 9 इंस्टीट्यूट्स हमने इस ट्रिक में याद करे हैं। तो अगर आपकी ट्रिक अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने बाकी एग्रीकल्चर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें।